सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कुछ भी असंभव नहीं, जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, और वो भी सोच सकते हैं जो आज तक नहीं सोचा। अच्छा लगता है मुझे उन लोगों से बातें करना जो मेरे कुछ भी नहीं लगते पर फिर भी मेरी बहुत कुछ है। अच्छे जिंदगी जीने की बस दो ही तरीके हैं, एक जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद कर ली उसे पसंद कर लो। आज का पंचांग 1 नवंबर 2023, दिन बुधवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, रात्रि 9:19 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मृगशीर्षा नामक नक्षत्र सुबह 4:36 तक रहेगी। इसके उपरांत आद्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:10 से 1:34 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर शाम 4:12 तक रहेगी। इसके उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। करवा चौथ की तिथि 31 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन 9:30 से शुरू हो जाएगी। वहीं 1 नवंबर को चंद्र दर्शन के बाद रात्रि 9:19 पर समाप्त हो जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त 1 नवंबर शाम 5:54 से लेकर 7:02 तक रहेगा। चंद्रोदय का समय 1 नवंबर रात 8:56 पर रहेगा। कुंभ राशि 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार, आज आपके भावनाओं में बहने की उम्मीद थोड़ी ज्यादा है। किसी छोटी सी बात पर भी आप उदास हो जाएंगी या पुराने मतभेद समय को याद करने लगेंगी या पुराने बेहतर समय को याद करने लगेंगी। किसी पुराने दोस्त से संपर्क साधने की कोशिश कर सकती हैं। आज आप अपनी वर्तमान समस्या को सुलझाने के लिए कोई संतोषजनक समाधान खोजने या किसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के मूड में हैं। कुदरत ने आपको आत्मविश्वास और तेज दिमाग से नवाजा है, इनका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। रात के समय आज आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया धन आज आपको वापस मिल सकता है। कोई दोस्त आपसे निजी समस्याओं के समाधान के लिए आपसे मशवरा मांग सकता है। रोमांस के जरिए से आज जिंदगी बहुत जटिल रहेगी। किसी लघु या मध्यावधि पाठ्यक्रम में दाखिला लेकर अपनी तकनीकी क्षमताओं में निखार लाएं। भरपूर रचनात्मकता और उत्साह आपको एक और फायदेमंद दिन की ओर ले जाएंगी। जीवन साथी के साथ एक आरामदायक दिन भी बीतेगा। अनुकूल समय है आपका व्यक्तित्व और सकारात्मक दृष्टिकोण हर जगह उचित तालमेल बनाकर रखेगा। कोई प्रॉपर्टी या व्हीकल खरीदने की योजना बना रही है तो तुरंत फैसला लें। घर में कोई धार्मिक आयोजन संपन्न करवाने की योजनाएं भी बनेगी। घर में हो रहे झगड़ों के कारण आप फंसा हुआ सा महसूस करेंगी। पति या साथी के साथ बात करना हर समस्या को हल करने की अच्छा तरीका है। बड़े पैमाने पर निर्णय लें। काम पर अपने परिश्रम के फल का और सकारात्मक प्रतिक्रिया का आनंद लें। अपने आंतरिक संघर्षों को सुलझाएं। आज घरेलू मामलों को अन्य मुद्दों से अधिक प्राथमिकता देंगी। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाना जरूरी है। प्रसन्न रहें और सबको प्रसन्न रखें। हमेशा ध्यान में रखें कि आपका सफल होने का संकल्प किसी भी अन्य संकल्प से महत्वपूर्ण है। परिवार के साथ चर्चा करने के बाद जरूरी कामों में आगे बढ़ पाएंगे। ध्यान रखें कोई महत्वपूर्ण अवसर खोने ना दे। जीवन में डिसिप्लिन बनाए रखें। समस्या के हल सोच समझकर निकालने होंगे। पैसों से संबंधित लेन देन में कोई व्यक्ति आपको फंसा सकता है, सतर्कता रखें। रिलेशनशिप पर ध्यान देते रहेंगे तो समस्या दूर हो सकती है। मांसपेशियों में खिंचाव होने से बेचैनी भी रहेगी। संपत्ति खरीदने की योजना है तो इस बारे में निर्णय लेने के लिए समय अनुकूल है। पारिवारिक सुख सुविधाओं के लिए खरीदारी करने में समय व्यतीत होगा। गलत कामों में खर्च होने से परेशानी हो सकती है, इसके लिए सचेत रहें। घर में किसी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता भी रहेगी। सावधानियां, धैर्य और संयम से अपनी कार्यों को अंजाम दें।
जल्दी उपलब्धि हासिल करने के चक्कर में गैर कानूनी कार्यों को हाथ में ना लें। दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करना आपकी मानहानि करवा सकता है। अपने टैक्स अथवा लोन संबंधित कोई पेपर अधूरे हैं तो कंप्लीट कर ली। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी या लिव इन पार्टनर के लिए यह समय मुश्किलों भरा हो सकता है। रिश्तों में गलत फहमिया कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए इसकी वजह से आपके संबंध में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। इस वक्त कानूनी समझौते या ट्राई अप से दूर रहें। अपने आंतरिक संघर्षों का सामना करने के लिए समय आ सकता है। इसके लिए आपको जीवन के मुख्य मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। अपने खास दोस्त की कुछ बातें आज आपको विचलित कर सकती है। सब्र रखें, सब कुछ भूलकर बस अपने भविष्य के बारे में सोचें। आप दोनों का आने वाले समय जीवन का सबसे अच्छा समय साबित होगा। आप आज किसी ऐसे आदमी से मिलेंगे जिससे आपकी आज आप ऐसे आदमी से मिलेंगे जिससे आप व्यक्तिगत तौर पर तो बहुत प्रभावित होंगे, लेकिन आपको कोई मानसिक उलझन है। आप किसी ऐसे आदमी को चुनना चाहती हैं जिसके पास आपको देने के लिए काफी कुछ है, लेकिन प्यार इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप प्यार पाना और प्यार करना चाहते हैं तो आपको यह विचार छोड़ने होंगे और मिलजुल कर चलने की राह पर चलना होगा। बात करते हैं करियर की। आज आतिथ्य परोपकारी गतिविधियों में काम कर रहे लोगों के लिए एक विशेष दिन है। अच्छा, आपके विरोधी भी आपके सामने झुकेंगे। सफलता आपके पास आएगी। आप किसी भी जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें जिससे आपको कोई नुकसान हो। अगर आप आय के अधिक स्रोत को प्राप्त कर लेने के लिए प्रयासरत हैं तो आज आप भाग्यशाली हो सकती हैं। अतीत को भुलाकर अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। पार्टनर और करीबी साथी के साथ कुछ पल बिताकर आप अपनी मनोदशा और फ्रेश महसूस करेंगी। योजनाएं बनाएं, लेकिन आज कोई खास निर्णय ना लें। सपने देखना ना भूलें, क्योंकि सपने ही आपको प्रेरित कर सकते हैं। परिवर्तन की हवाएं आज आपके काम और व्यवसायिकता को नया मतलब देगी। विदेशी व्यापार और नई सहायता आपकी व आपकी कंपनी को नए अवसर प्रदान कर सकती हैं। अपने नए उत्पाद के लिए नए विचारों की तलाश करें। इसके लिए इंटरनेट एक बेहतरीन स्रोत है। धीरज और व्यवहार कुशलता दो ऐसे गुण हैं जिन पर हमेशा अड़िग रहें। बात करते हैं सेहत की। आपको अपने किसी करीबी के अच्छी सेहत की खबर मिलेगी। अगर आप पिछले कुछ समय से किसी प्रियजन की सेहत के बारे में चिंतित थे तो आज उस बारे में राहत की खबर मिलेगी। आपका कोई करीबी लंबे समय से किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा है। आज आपको उसका भी कोई समाधान मिल सकता है और यह बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। आज का उपाय। आज आप गणेश भगवान जी को गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच के रिश्ते में मिठास बनी रहती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।